राजस्थान में साफा पगड़ी को आन बान शान माना जाता है। पुराने समय से ही राजस्थान में साफा पगड़ी पहनने की परंपरा चली आ रही है और आज भी लोग शान से यहाँ पगड़ी पहनते हैं। राजस्थान के अलग अलग इलाकों और अलग अलग जातियों में अलग अलग साफा पगड़ी पहने जाते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में शादी हो या कोई धार्मिक कार्यक्रम, यहाँ पगड़ी के बिना उसे अधूरा माना जाता है। इसी कारण साफे पगड़ी का व्यापार भी हमेशा चलते रहता है। जयपुर के चारदीवारी बाजार में साफे पगड़ी की खूब दुकानें हैं और यह व्यापार खूब चलता है। यहाँ के बाजारों में लोग इन्हें अपने हाथों से बनाते हैं। ऐसे ही जयपुर के बड़ी चौपड़ में स्थित फेमस साफे वाले बाबू भाई, जिनका नाम साफा पगड़ी बांधने में खूब चलता था, उन्हीं की इस विरासत को अब उनके परिवार के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जयपुर पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध शहर है और यहाँ पर्यटक राजस्थानी वेशभूषा, खान पान और ऐतिहासिक इमारतों को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर्यटक साफे पगड़ी खूब पहनते हैं और उनका हर जगह इसी के साथ स्वागत किया जाता है। छोटी चौपड़ पर सालों से पगड़ी बनाने का काम कर रहे मोहम्मद शरीफ बताते हैं कि वह यहाँ 4 पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं। इसमें वह यहाँ राजा महाराजाओं के साफे बनाने से लेकर विवाह में काम आने वाले और अलग अलग शहरों और इलाकों रियासतों के साफे बनाते हैं, जैसे जोधपुरी साफा, उदयपुर की पग, जयपुर की पगड़ी आदि मोहम्मद जी बनाते हैं। मोहम्मद जी बताते हैं कि साफा 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक बिकता है, जिसमें लोगों को अगर अलग से डिजाइन बनवाना है तो उस रूप में भी यहाँ पगड़ी तैयार की जाती है। मोहम्मद शरीफ बताते हैं कि सबसे ज़्यादा साफे पगड़ी की डिमांड शादियों और त्योहारों के समय रहती है। उस समय हमारे पास हजारों साफे पगड़ी के ऑर्डर आते हैं, दिन रात हम काम करते हैं। पूरे राजस्थान में यहाँ साफे पगड़ी बनाने के लिए ऑर्डर आते हैं। साथ ही शादी विवाह और धार्मिक कार्यक्रमों जैसे रैलियों और जुलूसों में स्पेशल रूप से साफे बांधने के लिए हमें बुलवाया जाता है। मोहम्मद बताते हैं कि पीढ़ियों से इसी साफे बनाने और बांधने के काम से उनका परिवार चल रहा है और वह आज भी इस राजस्थानी वेशभूषा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए बात करते हैं सालों से साफा पगड़ी बांध रहे मोहम्मद शरीफ जी से। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है और हमारा ये काम 4 पीढ़ियों से चल रहा है। 4 पीढ़ियों से हम यहीं चौपट पे बैठे हुए हैं। हमने कई प्रकार के साफे, जैसे अपने राजा महाराजा के साफे अलग बनते हैं, दूल्हों के साफे अलग होते हैं, रजवाड़ी पग अलग होती है, जोधपुर की पग अलग होती है, उदयपुर की पाक अलग होती है, सब अलग अलग दिशा की अलग अलग पगड़ियाँ होती है और ये काम हमारा 4 पीढ़ियों से यहीं काम हो रहा है। हमारा गिनीज बुक में वर्ल्ड पे रिकॉर्डिंग पे नाम है, बाबू भाई साफे बांधने वाला, हनुमान जी का रास्ता, फिरोज जी का कटला, फ्रेंड पेज पे। और क्या रेट है साफों की? साफे भैया देखो 50 रुपये से लेके 500 रुपये तक का साफा है और शादी ब्याह में ऑर्डर पे साफे बांधने भी जाते हैं, जिसमें पग 150 रुपये किराया और साफे के ऊपर पैसा होता है। पर्यटक कितनी संख्या में पहुंचते हैं यहाँ पे? शादी ब्याह की आबादी में बहुत आ जाते हैं आने को, तो शादी ब्याह में बहुत आते हैं। जैसे अब हम सुबह से लगे हुए हैं, शाम को 8:30 बजे तक लगे रहेंगे। जिसका भी जितना माल बनेगा सब दुकानदारों को सप्लाई हो जाएगा।